हमारे दर्शकों को हम बता दें कि अजमेर के दयानंद महाविद्यालय में एक बेहद शर्मनाक करने वाली हरकत सामने आई है, जिसमें छात्र संघ अध्यक्ष जो सीताराम चौधरी है वो अपना जन्मदिन कॉलेज परिसर में मना रहे थे, केक काट रहे थे, तभी जब वहाँ पर प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज के वहाँ पर आए और उन्होंने इस तरीके से परिसर में जब भारी लोगों को आमंत्रित कर कर केक कटिंग की जो वहाँ पर जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम चल रहा था उसको लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, भारी छात्रों के कॉलेज के अंदर प्रवेश पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, तब आप इन तस्वीरों को बहुत इस वीडियो को बहुत गौर से आप देखिए कि किस तरीके से छात्र संघ अध्यक्ष कितनी शर्मनाक हरकत डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ करते हैं। और जब डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल पूरे मामले की, पूरे घटना की, पूरे कार्यक्रम की उस वक्त रिकॉर्डिंग भी एक मोबाइल के अंदर करवा रहे थे, तभी जैसे ही वहां से डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल पीछे की ओर वहां से जब मुड़ते हैं, तब छात्र संघ अध्यक्ष सीताराम चौधरी जो उनके हाथ में केक है, उस केक को आप देखिए किस तरीके से प्रिंसिपल के ऊपर फेंक कर मारते हैं। इसको हम बार बार आपको हम दिखा रहे हैं कि आप इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से बार बार सीताराम चौधरी के इस कायराना हरकत को आप देखिए, जो बेहद शर्मनाक हरकत है। और ये हरकत ये दिखाती है कि छात्र जीवन में इस तरीके से गुरुजनों का अपमान नहीं किया जाना चाहिए, जो छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते बेहद शर्मनाक हरकत है। इसको हम बार बार दिखा रहे हैं कि एक छात्र संघ अध्यक्ष की क्या इस तरीके की कोई हरकत एक कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ या किसी भी शिक्षक के साथ होनी चाहिए क्या। ये एक बेहद शर्मनाक हरकत है जिसके ऊपर एमपीटीवी इंडिया कई सवालिया निशान ऐसे छात्र संघ अध्यक्ष के ऊपर खड़े करता है कि आखिर क्या ऐसे विद्यार्थी को छात्र संघ अध्यक्ष रहने का अधिकार है। आज दिन में दयानंद कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष और की का बर्थडे था, वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, इसका प्राचार्य साहब ने विरोध किया। इस बात को लेकर दोनों में आपस में विवाद हो गया, दोनों ने परस्पर एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दी, इस पर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जाएगा। सर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें क्या नज़र आ रहा है, दोनों एक दूसरे को? हाँ, तो उसी संबंध में उन्होंने परस्पर एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दी जिसमें मुकदमा दर्ज किया। ठीक है।